सिर्फ तकरीरें तुम्हारे बच्चों को नहीं बदलेगी। जब मां नेक होती है तो औलाद को मां की नेकी की बरकत खुद ब खुद नसीब होती है। कायनात में किसी की औलाद में इतने वली नहीं है जितने फातिमतुज़्ज़हरा की औलाद में वली है। हसन जैसा वली फातिमा का बेटा, हुसैन जैसा वली फातिमा का बेटा, ज़ैनुल आबिदीन फातिमा का बेटा, बाकर फातिमा का बेटा, जाफर सादिक फातिमा का बेटा, अली रजा फातिमा का बेटा, जनाबे नकी तकी हसन अस्करी फातिमा के बेटे, गौसो खाजा फातिमा के बेटे, वारिस देवा फातिमा के बेटे, शाह बरकतुल्ला फातिमा के बेटे, 90 लाख काफिरों को ईमान देने वाला मोइनुद्दीन फातिमा का बेटा, मक्का में सिमना सिमना का तख्त ताज छोड़ करके हिंद आने वाला फातिमा का बेटा, और आखिरी में अल्लाहु अकबर जिसके पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे वो इमाम मेहदी भी फातिमा का बेटा। क्यों इतने वली किसी की औलाद में हो तो बताओ। सरकार फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने कयामत तक उसकी औलाद पे जहन्नम की आग को हराम कर दी। मां पारसा हो जाए, फातिमा के तकवे की बरकत तो कयामत तक औलाद को मिलती है, तुम उतनी पारसा तो नहीं हो सकती। इतनी हो जाओ कम से कम तुम्हारे पोतों तक तो ये तकवे की बरकत नसीब रहे। इसीलिए तो आला हजरत ने फतावा रजविया में लिखा है जो सादात इंदल्ला सैयद हैं उन पर जहन्नम की आग हराम है, वो कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि फातिमा उनकी दादी के तकवे की खैरात उनको मिले, उनकी बरकतें मिलेगी। हाँ बल्कि यहां तक फरमाया जो इंदल्ला सादात हैं अगर कुछ भी जिंदगी में कर लिया है उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तौबा ना कर ले। माँ की तकवे की बरकतें यूं नसीब होती है, यूं नसीब होती है।